जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू डे, वेलकम टू आवर न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर मेरे से किसी ने एक क्यूरी पूछी। वो वीडियो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि जो दुबई के विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा है ओपन हो चुके हैं, और जो विजिट वीज़ा है वो सर्टेन कंडीशंस पे ओपन हुए हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करके यहाँ पे आना है। तो उसकी वीडियो से रिलेटेड मेरे से किसी ने एक सवाल किया था कि जो विजिट वीज़ा है वो ओपन नहीं हुआ, या ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और दूसरी ये क्यूरी थी कि हमारा जो विजिट वीज़ा है वो भी नहीं लग रहा, कुछ लोगों का लग चुका है और कुछ लोगों का नहीं लग रहा। ये सवाल का जवाब दे देती हूँ। पहले आप जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बताती हूँ कि ये मसला क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि हम लोग डायरेक्टली खुद अप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एजेंट्स का सहारा लेते हैं जिनके ऊपर लोग या तो ट्रस्ट कर लेते हैं या फिर वो उनके धोखे में आ जाते हैं। तो एजेंट्स क्या काम करते हैं कि आप लोगों से जो है आपके वीजे के पैसे ले लेते हैं। जैसे कि बता देते हैं आपको 600-700 रुपए आपके वीजे के पैसे, वो उस वीजे के पैसे लेके वो आपको कह देते कि हमने आपका वीजा अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद वो आपको बताते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो चुका है। उसकी रिजेक्शन की रीज़न आपको ये भी दे देते कि या तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया या फिर कोई और रीज़न है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं हैं। तो काइंडली अगर जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप वीज़ा अप्लाई करवाएं एजेंट, तो इनसे आप काइंडली डिटेल पूछ लें कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ आपको भेजें। आज एजेंट्स आप लोगों से पैसे ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते। आपका जो विजिट वीज़े की फ़ीस है वो आप लोगों से ले लेते हैं। उसमें ये वो ये कहते हैं कि हमने अपनी फ़ीस नहीं चार्ज की, तो जो आप पैसे देंगे हम उसी में आपका विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई वो नहीं करते, वो फीस उनके पास ही रहती है। साथ फेक रिजेक्शन रीज़न शेयर कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आपका जो वीज़ा है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। सो काइंडली नेक्स्ट टाइम आपने उनसे प्रॉपर एक प्रूफ मांगना कि आपने जिस वेबसाइट के जरिए अप्लाई किया है वहाँ पे आगे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आगे रीज़न मेंशन होती है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या रीज़न थी। तो अगर हो सके अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं तो काइंडली उनसे प्रूफ मांगे कि उन वेबसाइट का जिस वेबसाइट से उन्होंने अप्लाई किया है उस वेबसाइट का वो प्रूफ आपके साथ अटैच करें आपके मैसेज के साथ कि वो क्यों रिजेक्ट हुआ, ताकि आपके ये नॉलेज में हो। क्योंकि सम टाइम जो है ये चीज़ें जो है लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्कैम, या फेक जो है वो आपके साथ रीज़न शेयर कर दी जाती है, फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। तो काइंडली आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, वहाँ से अपनी रीज़न पता चल जाती है कि आपका जो वीज़ा है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फेक एजेंट्स के हाथों चढ़ें ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था जो रिजेक्शन के चांस 10-20% रिजेक्शन चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं रिजेक्ट हो रहे। विजिट वीज़ाज लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका विजिट वीज़ा नहीं लग रहा तो काइंडली उसकी रीज़न मेंशन करें, ठीक है, ताकि उस रीज़न तक पहुंचा जा सके और आपको पता चल सके कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ। ये थी मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने आपको एक क्विक सी अपडेट देनी थी कि जो एजेंट्स हैं वो आजकल आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपसे पैसे लेके वीज़ा अप्लाई नहीं करते लेकिन आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो काइंडली आप नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए और इन स्कैम से बचिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिए चैनल को, ताकि आपको कोई भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस ना करनी पड़े। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।